पॉइंट में वो चामुंडा देवी वहाँ पे राजा ने वो की थी बेसिकली, क्या की थी, तपस्या की थी, तो अच्छा राणा कुंभा ने, हाँ तो फिर उससे पूरा वो हो गया था, जो चामुंडा देवी थी काली देवी बाहर निकली थी उसमें गुफा। जा रहे हैं चिलगढ़ फोर्ट, एंड चिलगढ़ फोर्ट के बाद अपन लोग जाएंगे दिलवारा टेम्पल, एंड दिलवारा टेम्पल के बाद कहीं मार्केट के आसपास गाड़ी लगा के थोड़ा सा लोकल मार्केट एक्सप्लोर कर लेते हैं, मतलब एक्सप्लोर क्या करते हैं। एक बार आपको रात में दिखाया था उतना क्लियर चीज़ें नहीं थी, सुबह दिखाने की कोशिश करेंगे अभी, एक बार नक्की देख के आपको चलेंगे थोड़ा सा, उसके बाद घूम घाम के यहाँ से सोच रहे लंच करने के बाद ही निकले माउंट आबू से, बिकॉज हमें जाना है नाथद्वारा, था नाथद्वारा इज़ जस्ट 190 किलोमीटर्स। नज़ारों के मज़े लीजिए, क्या ब्यूटीफुल लैंडस्केप है यार, आई मीन ऊपर क्लाउड्स, एंड इतने दिन से धूप ही धूप मिल रही थी, आज फाइनली जाए क्लाउड्स मिले, सो आई थिंक दिस इज़ माय फर्स्ट ट्रिप जिस पे मुझे क्लाउड्स मिल रहे हैं एक्चुअली। अगर मैं राजस्थान ट्रिप बात करूँ तो इट वॉज कम्प्लीट सनी, सारे ही जगहों पर सनी था, एंड इफ़ आई टॉक अबाउट लद्दाख ट्रिप तो आपने देखा ही देखा नो क्लाउड्स, एक हाइपर जब से प्यार से रिकॉर्ड हो पाया, ठीक है। अब फाइनली इस ट्रिप के भी एंडिंग में आके माउंट आबू पे हमें क्लाउड्स मिले, सो इट्स रियली गुड। सो गाइस वो है अचलगढ़ फोर्ट सामने, ये है अचलगढ़ फोर्ट की पार्किंग। सो बात ऐसी है कि यहाँ पे लोग जाते हैं जीप से ऊपर, गाड़ी अपनी भी जा सकती है लेकिन रिस्क है थोड़ा सा, आप एक बार पहले जीप देख लें अगर चाह रही है तो, और अगर लगा कि अपनी गाड़ी जा सकती है तो अपनी भी ले चलेंगे। तो बैठ गए भैया जीप में, हाँ तो भैया जीप राइड इज ऑन, एंड लोग पैदल भी जाते हैं बट अपने पास थोड़ा सा यू नो एडवेंचर टाइप चीज भी चाहिए, तो चलो जीप भी ले चलें। सो ये जो पॉइंट है यहाँ से तो गाड़ी जा सकती है इजीली अपने, अचलेश्वर महादेव का मंदिर है। अच्छा ये अचलेश्वर महादेव का मंदिर है, एंड ये एक इशू है यहाँ पर डेफिनेटली, अब आई थिंक वो जीप उधर करेंगे तब निकल पाएगी अपनी, वो सारा मार्केट है। सो अचलगढ़ फोर्ट वॉज बिल्ट बाय राणा कुंभा ऑफ मेवाड़, एंड और क्या बताया था 1497 कोई दूसरी गाड़ी नहीं निकल सकती, बस जीप निकल पाती है यहाँ से, यार गली तो लिटरली नैरो है ये। जीप कितनी चौड़ी होती है भैया कैसे ऐसे में कितनी चौड़ी होती है? ये बात भी ठीक है, बस एक वो पॉइंट है शायद उसके बाद ये चढ़ाई है थोड़ी सी तगड़ी चढ़ाई है, एंड इस चढ़ाई में जो ये है ना एक्चुअली ये जो इसमें इशू आ सकता है हल्का सा, अपनी गाड़ी लेके चढ़ने की जरूरत नहीं, एंड टेलनेस यू आर वेरी मच एक्सपीरियंस्ड। किले का फर्स्ट गेट आएगा, हनुमान गेट कहते हैं इसको। सो गाइस ये जो पहला गेट पड़ रहा है इसे हनुमान गेट कहते हैं, दिस इज द हनुमान गेट फोर्ट का, लोग भी रहते हैं फोर्ट में नहीं यार, हाँ घर भर बना हुआ है ना किसी का, थोड़े बहुत लोग रहते होंगे कोई कोई। इधर में कपूर सागर तालाब है सामने, सो गाइस दिस इज कपूर सागर तालाब, ये
ये जो झुपड़ियाँ दिख रही है इसमें पहले सैनिक लोग रहते थे। अच्छा, राजा के जो सैनिक थे ना वो सब इन जिलों में रहते थे। अच्छा, ये जो झोपड़ियाँ हैं गाइस, यहाँ पे पूरे सैनिक वगैरह रहा करते थे पहले के जमाने में। सारी जो झोपड़ियाँ हैं अभी ऊपर से दिखाते हैं, तो दिख रही होंगी सामने झोपड़ियाँ। चढ़ाई तो तगड़ी है यार, अगर अपनी गाड़ी लेके आते हैं तो फिर रिकॉर्डिंग नहीं कर पाएंगे कुछ भी। सो आई थिंक इट्स बेटर कि आप लोग जीप से ही आओ, अपनी गाड़ी लेके आओगे तो कुछ भी नहीं रिकॉर्ड कर पाओगे। यहाँ से आप जाके आइए, घूम के आइए गाड़ी, फिर वापस आपको लेने आएगा। नंबर ले लो मेरा, प्रतिष्ठित नंबर लिखो, बताइए 9636। सो भैया पहुँच चुके हैं अचलगढ़ फोर्ट ऊपर, एंड इसके बाद अपन को जाना पड़ेगा चढ़ के, तो जीप यहीं तक छोड़ती है। एंड इसके दिया चार्जिंग 300 रुपीज़ आना जाना। एक दो पॉइंट्स उसने दिखाए जो मैंने आपको बताए थे रास्ते में। चढ़ाई थोड़ी सी तगड़ी है फॉर श्योर, खुद की गाड़ी मत लेके आओ, बाइक वगैरह है तो उससे आ सकते हो, लेकिन उसमें भी बहुत ध्यान से यार। चलो अभी ऊपर चलते हैं। क्या यहाँ पे श्वेतांबर जैन कैसे है? बेसिकली ही वाज टेलिंग कि अलग अलग पॉइंट्स है। ये मंदिर जो बनाया था बेसिकली जैन का एक तरीके से तीर्थ टाइप का है। अच्छा, ठीक है। एंड आगे एक गुफा पड़ती है जो चामुंडा देव की, वहाँ पे जिसमें जो राजा थे यहाँ के तपस्या की थी। मैं ये कह रहा हूँ ये तो राणा कुंभ ने बनाया था ना फोर्ट। हाँ। उसके बाद ये जैन्स के पास कैसे, उन्होंने गिफ्ट दिया क्या, किया जगह दी थी या मतलब खुद बनवाया मंदिर? किसने बनाया मंदिर ये नहीं बताया उसने, बता तो रहा था उसने वो सारी चीज़ें बताई कि मंदिर में ये है पॉइंट में वो चामुंडा देवी, वहाँ पे राजा ने वो की थी बेसिकली, क्या की थी, तपस्या की थी तो। अच्छा, राणा कुंभ ने। हाँ, तो फिर उससे पूरा वो हो गया था, जो चामुंडा देवी थी काली देवी बाहर निकली थी उसमें गुफा से, तो वो गुफा से आज भी वैसी प्रतिमा बाहर निकली हुई। अच्छा अच्छा, हाँ। तो चलो यार फिर ऊपर चलते हैं टूवर्ड्स चामुंडा देवी टेम्पल, एंड रास्ते में आपको फोर्ट दिखाते चलेंगे। एंट्री में स्टेयर्स हैं, सारी स्टेयर्स ही एक्चुअली फोर्ट में। चलो फिर। सो ये दूसरा द्वार है यार फोर्ट का। सीढ़ियाँ ही सीढ़ियाँ हैं, अ लॉट ऑफ सीढ़ियाँ। सो गाइस, दिस इज श्री आदेश्वर जैन मंदिर अचलगढ़। उसको पॉज करके पढ़ सकते हो यार। सो ये अंदर एंट्री यार। सो भैया ये है एंट्री जैन टेंपल की ऊपर, अब चल रहे हैं देखते हैं। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ जैन टेंपल। अभी ऊपर चल रहे हैं मेन टेंपल की तरफ। सो यार खूबसूरत टेंपल है, एंड लेकिन रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है अंदर से, पता ही नहीं लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ, इसलिए फुटफॉल भी बहुत कम है। इतना टूरिस्ट आया हुआ है बट यहाँ पे बहुत कम लोग हैं। थोड़ा सा ज़रा पैर संभाल के रखना यार, नहीं तो ऐसे सॉक्स गीले हो जाएंगे। मेरा हो चुका, अभी हमें जाके नीचे चेंज करने पड़ेंगे। खूबसूरत जगह है यार, व्यूज़ बहुत प्यारे हैं यहाँ से, एंड अगर अचलगढ़ आ रहे हो तो यहाँ ज़रूर आओ। थोड़ा सा चढ़ना ज़रूर पड़ेगा बट आई थिंक इट्स वर्थ कमिंग ओवर हियर। अंदर से टेंपल बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत। अब एक चीज़ यार पता चली कि दिलवाड़ा टेंपल में फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, कैमरा वैमरा कुछ अलाउड नहीं है, तो वो अंदर से नहीं दिखा पाएंगे अब आपको। एनीवेज चलते हैं आगे, देखते हैं एक चामुंडा माता की गुफा है यहाँ पे, काली माता की, वहाँ चलते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। चलो। सो यार अब जा रहे हैं चामुंडा देवी टेम्पल की तरफ। सॉक्स पूरे भीग गए हैं तो उतार दिए यार, शूज़ बिना सॉक्स के पहन लिए, अभी गाड़ी में जाके चेंज कर लेंगे। चलो। वो रहा सामने गेट। सो ये स्टेयर्स हैं, ये गेट है। सो कहते हैं कि महाराणा कुंभा ने यहाँ पे प्रार्थना की थी, तो गुफा में चामुंडा देवी की मूर्ति बाहर निकल के आई थी, मतलब देवी प्रकट हुई थी, तो वो अभी भी वैसा ही है।
चलो देखते हैं चल के। सो गाइस दिस इज द पॉन्ड। ये फोर्ट के लिए पानी के सोर्स की तरह यूज होता रहता। एंड सो बारिश का रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्पेसिफिकली। सो इधर पीछे एक मंदिर है एंड उधर पीछे है गुफा। तो अभी गुफा की तरफ जा रहे हैं भाई। बैंड बज गई, सीढ़ियाँ बहुत है चढ़ने के लिए यार। चलो गुफा की तरफ चलते हैं। सो यार गुफा का रास्ता थोड़ा सा स्केरी है। काफी स्केरी है एक्चुअली। कहाँ है भाई सब गुफा? ऊपर क्यों चढ़ाया फिर नीचे उतारना था तुम? नहीं फटना है जरूरी नहीं। इट्स अ नेचुरल फिनोमेनन भाई साहब। वो खड़ी गाड़ी नीचे, अभी दिखाता हूँ ऊपर से गाड़ी। पहले उतर जा सही से। प्रत्युष की हालत खराब हो गई इस टाइम पे भाई। मेरी टांग की वजह से डर लगता मुझे। प्रत्युष इज नॉट यूज्ड टू सच थिंग्स एंड मोर ओवर मेरी एक टांग नकली है। तुम बेटा रहो पीछे। हाँ हाँ चलो ना। अरे गुफा। सो ये है गुफा फाइनली। एंड वो कहीं खड़ी गाड़ी उधर। ये फोन से जूम करके दिखाता हूँ। वो देखो वो खड़ी गाड़ी देखो कितने ऊपर हम लोग। सो दिस इज नीचे भी है। नीचे वो और नीचे है जाके वो सामने उतार ही लेते हैं भाई। थैंक यू। तो यार ये है गुफा। गोपी चंद राजा गुफा। जय हो देवी मैया की। सो भैया अचलगढ़ फोर्ट का ट्रैक भी हो गया कंप्लीट। अब नीचे उतर रहे हैं वापस। थोड़ा सा रफ रूट है, ध्यान से चलिए। स्पोर्ट्स शूज़ पहन के आइएगा, बूट्स पहन के मत आ जाना नहीं तो लग जाएंगे आपको पता है क्या। ठीक है सो चलो फिर अभी उतरते हैं नीचे, जीप वाले को बुलाते हैं एंड निकलते हैं दरबार टेम्पल्स की तरफ। सो कुछ ऐसा रास्ता है जाते टाइम मैंने दिखाई दिया था। थोड़ा सा ये आप देख सकते हैं। चाहिए जो रॉक है ना ये थोड़ा सा स्लिपरी है तो ध्यान से रखना पड़ेगा यार बहुत। हेलो सुबह भैया बाय बाय टू अचलगढ़ फोर्ट। अब निकल रहे हैं यहाँ से यार। आगे भैया आगे। ठीक है भैया आ रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं वापस नीचे पार्किंग के लिए। उसके बाद जा रहे हैं दिलवाड़ा। चलो कैसे उल्टा जाओगे? ठीक है बैठ लेंगे।
दिलवाड़ा में कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है? पैसा वैसा दे के कुछ मंदिर में अलाउड ही नहीं करते। सो भैया अपनी गाड़ी लेके मत आना, क्योंकि आप लेके भी आ जाओगे तो ऊपर पार्किंग का इशू है एंड सेकेंडली बैक करने का इशू है, तो भैया लोग जीप से ले आते हैं और वापस भी ले जाते हैं। बाइक वाइक है तो आ सकते हो यार, लेकिन मुझे रिस्क ही लगता है बाइक से भी, क्योंकि चढ़ाई थोड़ी तगड़ी है। हाँ बुलेट बुलेट है तो बात अलग है। अब ये देखो, ये रास्ता देखो, ये है सबसे मेन चीज़, बिल्कुल छू के निकलती है गाड़ी यहाँ से। पीछे जाइए, हाँ भैया आ गए, नीचे आ गए। सो भैया आ चुके हैं गाड़ी पर, भाई साहब की उतर गई जैकेट। तो वहाँ कहीं से अपन लोग थे ऊपर, एकदम सबसे टॉप पे थे, सबसे टॉप पे थे। वो हल्का झंडा सा दिख रहा होगा ना हिलता हुआ वीडियो में, वहाँ पर थे। जूम करके दिखाऊं क्या? सो वो देखो यार, तो झंडा दिख रहा है ना, दैट वाज दी गुफा। यहाँ से आए पार्किंग में। सो भैया निकल रहे हैं अचलगढ़ फोर्ट से एंड जा रहे हैं दिलवाड़ा टेम्पल्स की तरफ। दिलवाड़ा के बाद कहेंगे माउंट आबू को टाटा बाय बाय और निकल जाएंगे सीधा नाथद्वारा। कोशिश रहेगी कि आज ही दर्शन कर लें ताकि कल जयपुर जाना है तो टाइम से जाए, क्योंकि यार राजस्थान में ज़्यादा तेज चला नहीं सकते गाड़ी। We'll be right back.